नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा ऑटोमोबाइल प्रोग्राम जिग्निशन में। मैं हूं आपका होस्ट सैम और एक बार फिर हम आपके लिए आपके ये रिव्यूज व्यूज का जो सिलसिला है जारी रखेंगे, लेकिन एक बड़े ही खास और नए अंदाज में। आज हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान भी होंगे और यकीन मानिए बहुत कम समय में हम आपको बहुत सारी गाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं 10 लाख से कम कीमत वाली हैचबैक्स की। एंट्री लेवल हैचबैक में चार गाड़ियां हैं जो कि आती हैं। उन चारों में सबसे जो सस्ती है वो है टाटा की नैनो। जी हाँ, ये गाड़ी जब बाजार में आई थी तो एक तहलका सा मचाया था, लेकिन जिस तरह का सक्सेस टाटा ने इसे एक्सपेक्ट किया था वो सक्सेस इस गाड़ी को नहीं मिल पाया। हाँ, बट इस गाड़ी से कई और गाड़ियां इंस्पायर जरूर हुई। दूसरी गाड़ी जो कि इससे थोड़ी सी महंगी पड़ती है वो है डैटसन की रेडिगो। वही प्लेटफॉर्म पे बनी है जिस प्लेटफॉर्म पे क्विड को बनाया गया है। कीमत आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत बड़ा फर्क नहीं है नैनो से अगर इसको लें, लेकिन एक उम्दा गाड़ी, एक बिल्कुल नया फंकी डिजाइन है काफी सारे वेरिएंट के साथ जो आपको मिलता है डैटसन की इस एंट्री लेवल कार रेडिगो। इसके बाद बारी आती है उस गाड़ी की जिसने करीब 10 साल से इस इंडस्ट्री में या यूं कहें एंट्री लेवल सेगमेंट में बादशाहत हासिल कर रखी है, ऑल्टो की 800। लेकिन हाँ, आप भी मानेंगे हम भी मानेंगे कि ये गाड़ी काफ़ी समय से बाजार में मौजूद है और अब वो गाड़ी जिसने कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम जनरेट करने का एक एम सा बना लिया है और बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट करिए। मान लीजिए कि मारुति सुजुकी के जो अभेद किला था उसमें घुस चुकी है नैनो की क्विड। अपने SUV लाइक लुक और कीमत देखिए, कीमत भी बहुत अट्रैक्टिव है और काफ़ी सारे वेरिएंट भी मौजूद हैं और अभी अभी हाल ही में एक नया क्लाइंबर करके एक स्पोर्टी वेरिएंट भी उतारा गया है इस क्विड का। चार गाड़ियां हमने आपको बता दी एंट्री लेवल हैचबैक की। आप अपना बजट अब फैसला कर सकते हैं कि 2.5 से 3 लाख अगर आपकी शुरुआती कीमत है तो कौन सी चार गाड़ियाँ जो आपके पास मौजूद है। लेकिन इसको और आसान बना देते हैं, हम आपको बता देते हैं कि इन चार में हमारी एक पसंद कौन सी है और वो बताने के लिए आशीष का रुख करते हैं। आशीष, इन चार गाड़ियों में कौन सी होगी एंट्री लेवल हैचबैक जिसे आप चूज करेंगे और क्यों? उस एक गाड़ी के ऊपर हम ज़्यादा सोच भी नहीं पाते हैं। रेनो क्विड एक नाम आता है जो कि इस सेगमेंट में बहुत डोमिनेंट है। एक तरीके से एक ट्रैक्शन जो इस गाड़ी ने दिया है सेगमेंट को, ओवरऑल अगर आप गाड़ी को भी देखेंगे तो फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, परफॉर्मेंस को ले लीजिए, फीचर्स को ले लीजिए, ये गाड़ी जनरली इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेटर है। आशीष का और मेरा यही मानना है कि इस सेगमेंट में अगर आप कहीं पर पैसे लगाना चाहते हैं, बाकी भी बेहद उम्दा गाड़ियां हैं उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपको एक गाड़ी चूज करनी है और हमारे पर अगर वो दारोमदार दिया जाता है तो हम चूज करेंगे रेनो की क्विड को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 3.5 से 4.5 लाख के सेगमेंट की। जी हाँ, इस सेगमेंट में भी कई सारी हैचबैक्स मौजूद हैं। शुरुआत हम करते हैं टाटा की टियागो से। टियागो अब बिल्कुल नई गाड़ी है, एक नए प्लेटफॉर्म पर बनी है। तारीफ करनी पड़ेगी टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स की, तारीफ करनी पड़ेगी जो इस वक्त डिजाइनर टीम के हेड हैं प्रताप बोस की, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो कि टियागो के रूप में निकाला है, ह्युंडई की ईऑन। जी हाँ, ये हमारी दूसरी कार जो कि इस सेगमेंट में आती है। जब हम बात करते हैं शुरुआती कीमत 3.5 से 4.5 लाख के बीच, ईऑन के बाद बारी सिलेरियो की। सिलेरियो सुर्खियों में रही थी मारुति सुजुकी की गाड़ी, क्योंकि इसमें AMT वर्जन को पहली बार उतारा गया था और सबसे सस्ते ऑटोमेटिक गाड़ी होने का जो तमगा था वो सिलेरियो में जब लॉन्च के समय था। सिलेरियो के बाद बात उस गाड़ी की जो कि वॉल्यूम के मामले में तो नदारद है लेकिन सेगमेंट में मौजूद है, वो है शेवरले की बीट। और ये बीट इसी साल, हो सकता है आने वाले 2 महीनों में, बिल्कुल नए रिफ्रेश अवतार में आए। और अब वैगनार, जी हाँ, भारतीय सड़कों पर सबसे ज़्यादा दिखती है, टॉल बॉय डिज़ाइन है, लोगों ने काफ़ी पसंद की है। बीच में एक स्टिंगरे का एडिशन था जो कि निकाला गया था इसमें, लेकिन अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। पेट्रोल, डीजल, LPG तीनों में ये गाड़ी अवेलेबल है, यानी कि अब अगेन मुश्किल आपके लिए, लेकिन इस मुश्किल को हम बनाएंगे आसान। और फिर चलते हैं वापस आशीष के पास। आई थिंक सैम इज़ वेरी क्लियर, ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड सा स्टेटमेंट है, क्योंकि थोड़े साल पहले तक हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि
ये कंपनी बहुत अच्छे गाड़ियाँ बना भी सकती है क्योंकि टाटा है, टाटा टियागो इस सेगमेंट में। हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं इस गाड़ी के बारे में, एक पूरा रिवोल्यूशन आया है टाटा के अंदर और वो स्टार्ट हुआ था ज़ेस्ट बोल्ट से, लेकिन जो डेफिनेशन मिला है इस पूरे रिवोल्यूशन का वो मिला है टियागो की फॉर्म में। बिल्कुल सही चॉइस है, अगर कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि टियागो वो गाड़ी है अगर आपको याद हो जो कि जिग्निशन ने खास एंड्यूरेंस टेस्ट किया था। 50,000 किलोमीटर तक टियागो, जेस्ट और बोल्ट इन तीनों गाड़ियों को वीआईडी के सर्किट पर टेस्ट किया गया था और यकीन मानिए सबसे ज़्यादा किसी गाड़ी ने हमें इम्प्रेस किया था तो वो थी टाटा की टियागो, जो उस वक्त लॉन्च भी नहीं हुई थी और पेट्रोल डीजल दोनों ही बहुत अच्छे इंजन है, बहुत उम्दा इंजन है, अच्छी खासी माइलेज, अच्छे खासे स्पेस प्रैक्टिकलिटी के साथ आपको मिलती है टाटा की टियागो बहुत सारे वेरिएंट्स एंड ऑप्शंस के साथ। चलिए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगर आपका बजट है 4.5 से 5.5 लाख के बीच, मैं बात कर रहा हूँ शुरुआती कीमत की, अगर शुरुआती कीमत आपने सोच रखी है कि 4.5 से 5.5 के बीच हो तो कौन सी गाड़ियाँ बाजार में मौजूद हैं। करीब 6 गाड़ियाँ हैं जो कि इस सेगमेंट में मौजूद हैं और सभी एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ हैं इस सेगमेंट में। शुरुआत हम करेंगे उस गाड़ी के साथ जो कि पूरे सेगमेंट में सबसे नई है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कह सकता हूँ, कुछ लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, कुछ लोगों को शायद ना लगे, बड़ा अनकन्वेंशनल सा डिज़ाइन है इस गाड़ी में मिलता है। ये कंपनी वो कंपनी है जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करती है, आप समझ चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूँ मारुति इग्निस। इग्निस के बाद अब बारी आती है उस गाड़ी की जो कि सेगमेंट में काफ़ी न्यू फेसलिफ्ट कहें तो गलत होगा, ह्युंडई की ग्रैंड i10। आप जानते हैं कि जो i10 थी पुरानी वाली उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है ह्युंडई ने और अब पूरा का पूरा जो फोकस है वो उसका ग्रैंड i10 पर है। इसके बाद नंबर आता है फोर्ड की ईको का, एक बहुत उम्दा गाड़ी। फोर्ड की जो तस्वीर भारत में बदली थी वो इको स्पोर्ट से बदली थी, लेकिन हैचबैक सेगमेंट में जब इस गाड़ी को, इस प्लेटफॉर्म को उतारा गया तो यकीन मानिए फोर्ड की जो असली टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको भी समझने में काफ़ी आसानी मिली। एक बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट और इसका डीजल इंजन बहुत पावरफुल है और काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है। इसके बाद नंबर आता है मारुति सुजुकी स्विफ्ट, उम्दा गाड़ी है, 1.3 लीटर का इसका डीजल इंजन, लोगों को बहुत पसंद आता है, स्पेशियस है और ट्राइड एंड ट्रस्टेड मारुति सुजुकी। कीमत आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अलावा जो और गाड़ियां मौजूद हैं उसमें आती है टाटा की बोल्ट, एक अच्छी गाड़ी है लेकिन यहां से शुरुआत जरूर हुई थी जैसे कि आशीष ने पहले कहा था एक नई डिज़ाइन फिलॉसफी की, लेकिन ये गाड़ी कुछ खास कर नहीं पाई है वॉल्यूम के मामले में, सेगमेंट में कोई खास धमक इस गाड़ी की मौजूद नहीं है। काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो कि आपने इस वक्त स्क्रीन पर देख ली हैं, चलिए आपको समस्या को थोड़ा हल्का कर देते हैं और जान लेते हैं आशीष से कि विच वन विल बी हिज चॉइस। सैम ये एक सेगमेंट है जिसमें हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी चूज़ करने में कि कौन सी गाड़ी टॉप पे आनी चाहिए। ह्युंडई की जो ग्रैंड i10 है उसका जो ओवरऑल पैकेजिंग फैक्टर है वो इतना स्ट्रांग है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द ईयर्स की जो गाड़ी अभी मार्केट में रही है उसके बाद भी उसका अपील जो है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ठीक है, हो सकता है कि आपको इंजन एक्साइटमेंट उतना ना मिले इससे, लेकिन इतना सैटिस्फैक्ट्री पैकेज है, ये सारे फीचर्स मिलते हैं आपको और अभी बिल्कुल रिसेंटली इसको थोड़ा सा फेसलिफ्ट भी दिया गया है तो उसकी एक्स फैक्टर थोड़ी और बढ़ गई है, एकदम हल्का सा एज शायद ग्रैंड i10 लेके जा सकती है। तो कुल मिला के इस सेगमेंट में हमारी विजेता है ह्युंडई की ग्रैंड i10, एक उम्दा गाड़ी है, आप शोरूम जाकर इस गाड़ी को ज़रूर देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा ये हमारी पर्सनल राय है जो कि आई है इन गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करने से, इन सभी गाड़ियों को समझने से, लेकिन राय अलग हो सकती है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप इनको जाके देख सकते हैं, एक उम्दा गाड़ी। अब बात करते हैं प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की, कीमत 5.5 से 6.5 लाख अगर आपका बजट है, शुरुआती कीमत हम बात कर रहे हैं, और 10 लाख से नीचे का तो देखते हैं कि प्रीमियम हैचबैक में आपके लिए क्या क्या मौजूद है। शुरुआत हम करते हैं मारुति की बलेनो के साथ, एक नई गाड़ी है नेक्सा करके, जो मारुति का अलग से डीलरशिप चेन मारुति ने बनाई है उसमें इस गाड़ी को बेचा जाता है। आगे चलते हैं, इसका सबसे जो नियरेस्ट कॉम्पिटिशन है वो है ह्युंडई की एलीट i20,
जैसे ही बाजार में आई थी तहलका मचा दिया था सिर्फ अपने डिजाइन से, और पूरे हैचबैक सेगमेंट में, इस प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में सभी का वॉल्यूम अकेले ने ही ले लिया था, जब तक कि बलेनो बाजार में नहीं आई थी। इस गाड़ी में भी आपको हर वो फीचर मिलेगा जो कि आप एज अ कस्टमर चाहेंगे। एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है, अपडेटेड गाड़ी है, और अच्छी खासी माइलेज, अच्छे खासे इंजन ऑप्शंस और वेरिएंट्स के साथ Hyundai की Elite i20। इसके बाद वो गाड़ी जो कि सेफ्टी के मामले में नए बेंचमार्क क्रिएट करती थी, बहुत उम्दा इंजन है जो कि इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें पावरफुल वर्जन जैसे कि बलेनो RS है वो भी मौजूद है, पोलो की GT TSI मौजूद है। जी हाँ, बात कर रहे हैं Volkswagen की पोलो। काफ़ी सारी बुरी खबरें थी जो कि पिछले साल Volkswagen के साथ जुड़ी रही, लेकिन ये इस सेगमेंट की एक उम्दा गाड़ी है। कीमत, जी हाँ, आप जब कीमत देख रहे होंगे आपको थोड़ा सा परेशानी लग रही होगी, कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है बाकी से कंपेयर करें, लेकिन काफ़ी सारे वेरियंट्स हैं जो कि Volkswagen की पोलो में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक अच्छी गाड़ी, एक उम्दा गाड़ी सुपर डीजल इंजन के साथ, होंडा की जैज, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्पेशियस कहें तो गलत ना होगा, एक अच्छे CVT गियरबॉक्स के साथ जो कि आपको होंडा की जैज में मिलता है। कीमत इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मैन्युफैक्चरर्स मौजूद हैं लेकिन वो गाड़ियाँ ज़्यादा तहलका नहीं मचाती हैं। Fiat की पुंटो इस सेगमेंट में मौजूद है, स्क्रीन पर इस वक्त आपकी कीमत है। ज़्यादा मैं इस गाड़ी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन एक बहुत ही उम्दा गाड़ी है, क्यों नहीं बिकती है ये समझना शायद Fiat के लिए ज़्यादा ज़रूरी है हमसे, क्योंकि एक अच्छी गाड़ी का ना बेच पाना शायद कंपनी के लिए परेशानी की बात है। आशीष, इन गाड़ियों में कौन सी होगी आपकी पसंद? सैम, दोबारा हम लोग Hyundai की तरफ जा रहे हैं। Hyundai Elite i20 जो है विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट बहुत ही रिच एक्सपीरियंस है ये गाड़ी इस सेगमेंट में। मेरे पास काफ़ी टाइम तक रही थी ये गाड़ी, मैं करीब 40-50,000 किलोमीटर के इस गाड़ी को चलाया भी था, एक रैटल भी नहीं सुनाई देता है। तो दोस्तों, Hyundai की Elite i20 है जो कि प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में हमारी पसंद है, और इतने कम समय में इतनी सारी गाड़ियों के बारे में बताने का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करके आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें, ताकि आप जब डीलरशिप तक जाएं आप अपने गाड़ी का चुनाव करने में कहीं इधर उधर हिचक ना करें, आपको सही से नॉलेज हो उस गाड़ी के बारे में। फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए या फिर ईमेल के जरिए आप अपनी राय इस बारे में हमें ज़रूर भेजें, या फिर इस हैचबैक सेगमेंट के बारे में 10 लाख से नीचे का कोई भी सवाल हो, प्लीज़ डोंट हेजिटेट, जस्ट शूट योर क्वेश्चन, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब जल्द से जल्द दे सकें।